हेलो बच्चों, संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है। इसमें कुछ नोट आप लोग को लिखवा दे रहे हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो संस्कृत वर्णमाला के वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन तथा अयोगवा। दूसरा में लिखिए स्वरों के तीन भेद हैं, पहला है ह्रस्व, दीर्घ तथा संयुक्त। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ये चार हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का, जिसको हम बोलते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ये पांच हैं, अ, ए, ओ, री तथा री। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ये चार हैं। आ, दीर्घे, दीर्घो तथा जी। व्यंजन के वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन वर्ण हम कोई भी बोलते हैं उसमें क्या होता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
व्यंजन के तीन भेद हैं। स्पर्श, अंतःस्थ तथा उष्म। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लिखवा रहे हैं यहाँ 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हम लिखवा रहे हैं आप लोग को। अनुस्वार तथा अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं तथा इनका प्रयोग भी स्वरों के बाद ही किया जाता है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाईं ओर तिरछी रेखा लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? तिरछी रेखा लगाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं, जैसे ये देखिए, हमने क में लगा दिया, इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क इसके बाद कोई भी व्यंजन लिखिएगा उसमें हलंत लगता है। स्वर रहित व्यंजन यानी कि स्वर जोड़ने के बाद हलंत हटा दिया जाता है। वचन 3 होते हैं। ठीक है, एक वचन, दोई वचन और बहुवचन। एक वचन जो एक का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, जो दो का बोध कराए उसे द्विवचन कहते हैं, जो अनेकों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। ठीक है,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है, थैंक यू।